अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू अम्मी का ख़ज़ाना। आज हम पाया बनाएंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पाया बनाने के लिए मैंने ये 12 पाया लिए हैं और इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 4 बड़े प्याज जो मैंने फाइनली पेस्ट बना लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाले में हमें चाहिए ज़ीरा, खड़ा धनिया, काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता। इसे हम अलग से रोस्ट कर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। गार्निश के लिए हमें चाहिए धनिया पत्ती, हरी मिर्च और अदरक। इसे जब मैं डालूंगी तो आपको बताऊंगी। 4 बड़े चम्मच तेल के हमने लिए। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे और इसी में हम प्याज डालेंगे। इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारे मसाले हम इसी में डाल देंगे। डालकर इसे हम 2-3 मिनट तक इसे हम भूनेंगे। 2-3 मिनट हमने मसाले को भून लिया है। अब इसी में हम पाए डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। दो तीन कप हम इसमें पानी डालकर और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर होने देते हैं। उसके बाद इसे हम फिर से भूनेंगे। इसे हम ढक देते हैं। 20 से 25 मिनट तक हम इसे पकने देते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम खोल कर देखते हैं। ये देखिए, पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है। फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से भून लिए हैं। तेल भी हमारा सरफेस पे आ गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। 1.5 से 2 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा पानी इसमें हम और डालेंगे। इसे हम ढक देते हैं लो फ्लेम पर और 1 से 1.5 घंटे तक इसे हम इसे यूं ही लो फ्लेम पर पकने देंगे। 1.5 घंटे हो गए इसे पकते हुए और ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से गल भी गया है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ये गरम मसाला जो मैंने रोस्ट करके रखा था अब इसे डाल देंगे। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये पाया हमारा बनकर रेडी है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। उससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।